नमस्ते, मैं ओम बिश्नाथ और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नए बिजनेस के बारे में आइडियाज ढूंढ रहे हैं, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आइडिया अभी बहुत चल रहा है, बहुत ग्रो होगा। ये है ऑनलाइन कोचिंग सेंटर का बिजनेस, ऑनलाइन ट्यूशन का बिजनेस। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से, लो कॉस्ट में, और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या कॉम्पिटिशन है, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करने से पहले, जैसे आप जानते हैं कि स्टार्टअप योगिस में हम आपको मदद करते हैं कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो आप अगर पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं और हमारे प्राइवेट कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और हमारे जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है उसके मेंबर आप बन सकते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, आपके बिजनेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या हमारे कम्युनिटी के साथ जो बहुत ही एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे इस ग्रुप का हिस्सा है, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन क्वेरीज पूछ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी, हमारा जो ग्रुप है वो आपको मदद करेगा ताकि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकें। तो आज ही जुड़िए हमारे फेसबुक ग्रुप के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस नए बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस बहुत ही अभी चल रहा है, जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, अभी लोग घर में बैठे हुए हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, 6-7 महीने से स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं। तो अभी इस लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई तो नहीं रोक सकते, बाकी सब कुछ रुक जाए जो कुछ भी हो माँ बाप के लिए, एटलीस्ट हमारे इंडियन कल्चर में, भारत का जो कल्चर है, भारत का जो सोसाइटी है, यहाँ पे माँ बाप जो है वो एडुकेशन को, शिक्षा को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस जगह पे आप इस बिज़नेस को ज़रूर नोटिस कर सकते हैं। और जैसे आप देख पाएंगे बहुत ही भयानक एक बूम हो रहा है, वो है ऑनलाइन ट्यूशन का, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस का। तो इसको आप अपना जो, अगर आपका कोचिंग बिजनेस है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपका कोचिंग बिजनेस नहीं है फिर भी आप इस जगह पे अपना एक नया सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, किस तरीके से आप अगर अपना सक्सेसफुल एक ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पे मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना पड़ता है, वो है आपका कस्टमर। तो कस्टमर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बिना कस्टमर के बिजनेस शुरू करके फायदा नहीं। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कौन है? तो जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करेंगे, स्पेशली आप अगर कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं, तो आपका जो ऑडियंस है वो है आपका स्कूल स्टूडेंट्स, 8 to 12, क्योंकि 8 से नीचे क्या होता है ऑनलाइन ट्यूशन में उतना उनको, बच्चों को समझ भी नहीं आता, उन लोगों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो प्राइमरीली हमारा जो एक्सपीरियंस है या जो भी आप ऑनलाइन में अगर सर्च करेंगे, सो 8 to 12 इज़ दी बेस्ट। उसके बाद कॉलेज भी कर सकते हैं, एडल्ट एजुकेशन कर सकते हैं, पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोचिंग सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे क्लास 8 to 12 के बच्चों को हम टारगेट करेंगे। और हमारे कस्टमर्स कौन हैं? उनके पेरेंट्स। तो यहाँ पे हमें यूज़र और बायर को एनालाइज करना पड़ेगा। यूज़र मतलब कौन आपके सर्विस को यूज़ करेगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट यूज़ करेगा, ठीक है, 8 to 12 का। और आपका बायर कौन है? बायर है उनके पेरेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स तो आपको पैसा नहीं देंगे, पैसा देंगे आपके पेरेंट्स। तो ये आपका एनालिसिस हो गया। और प्राइमरीली जब आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, लोकेशन मैटर, अगर आप लोकेशन सोच रहे हैं तो लोकेशन यहाँ पे आप क्योंकि ऑनलाइन में कर रहे हैं, सो लोकेशन डजेंट रियली मैटर। आप यहाँ पे रूरल, यहाँ पे आप सेगमेंट तैयार कर सकते हैं कि आपका कौन से सेगमेंट में आप टारगेट करने वाले हैं, रूरल करने वाले हैं, अर्बन करने वाले हैं। क्योंकि रूरल अर्बन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका बजट जो होता है वो कम होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑब्वियसली बजट कंपेयर टू रूरल आपका बहुत ज़्यादा होता है। अगर सोचिए कि यहाँ पे एक स्टूडेंट के माँ बाप अगर 500 रुपये खर्चा कर सकते हैं या 300 रुपये खर्चा कर सकते हैं, उसी जगह पे अगर आप रूरल पे आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2000 रुपये, यहाँ पे 5000 रुपये, या इवन लोग 7-10 हज़ार रुपये भी खर्चा करते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि लोकेशन वैरी करता है और ऑनलाइन में उतना मैटर नहीं करता, पर जब भी आप शुरू कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किस तरीके से आप रूरल और अर्बन को भी टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन में जब आऊँगा, कॉम्पिटिशन में आपको बताऊँगा कि कौन सा सेगमेंट आपके लिए सही होगा, कहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कहाँ पे कम कॉम्पिटिशन है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है। जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं या अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है वर्किंग कैपिटल, मतलब आपका मंथली कितना खर्चा होगा। फिर आ जाता है आपका रेंट या आपका ओन प्रॉपर्टी, उसके लिए आपका महीने में कितना खर्चा आता है, मेंटेनेंस अगर पकड़ लेते हैं, और इक्विपमेंट जो आपको खरीदना पड़ेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें कितना खर्चा है। तो यहाँ पे जब आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए में, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे यही काम करते हैं, हम टीचर्स को, एडुकेटर्स को मदद करते हैं कैसे वो अपना जो ऑफलाइन का जो पढ़ाने का सिस्टम है उसको कैसे ऑनलाइन में ला सके। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस जगह पे
अपना लो कॉस्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं कि जो टीचर है वो एनिमेटेड वीडियोस ऐसे करके आपका इस सेटअप के माध्यम से, इसको लाइट बोर्ड कहते हैं, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अलग अलग आपके वेदांतों में जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका स्मार्ट बोर्ड है, इसको स्मार्ट बोर्ड कहते हैं, जहाँ पे बोर्ड पे जो है टीचर लिख सकता है। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये एक सेटअप आप लगवा सकते हैं जिसके माध्यम से आप इंटरेक्टिव सेशन तैयार कर सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखें कि जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं तो आपका क्वालिटी, वीडियो का क्वालिटी और ऑडियो का क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, स्टूडेंट को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो फिर वो स्टूडेंट जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पे इक्विपमेंट अगर आप एक सेटअप लगाते हैं, स्टूडियो सेटअप लगाते हैं, अगर डिसेंट क्वालिटी का, अगर मोटा मोटी अच्छे क्वालिटी का अगर लगाते हैं, तो अराउंड 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीस आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। दैट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दैट शुड लास्ट यू एटलीस्ट 7 to 8 years। आपका आराम से 7 से 8 साल तो आराम से चलना चाहिए अगर आप आपका डिसेंट यूज़ करते हैं। अगर बहुत हैवी यूज़ करते हैं तो 3 से 4 साल आपका चल जाना चाहिए। हैवी यूसेज मतलब दिन में आपका 10 घंटा यूज़ कर रहे हैं, 8 घंटा यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका एक जो इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट है, दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे आपको स्टूडेंट तो बुलाना नहीं है, सब कुछ कम्प्लीटली ऑनलाइन हो रहा है। और उस जगह पे आपका अगर रेंट अगर लेना चाहते हैं तो आपको छोटा सा कहीं पे भी, कोई भी रूरल एरिया में या किसी भी जगह पे, यहाँ पे आपको बिजनेस चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। यू डो नॉट नीड रास्ते के ऊपर आपको बिल्डिंग नहीं चाहिए। तो आपका यहाँ पे 5000 से लेके 7000 तक आपका पर मंथ का अगर आप रेंट लेते हैं तो आराम से आपका ये सेटअप आप तैयार कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा? वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आपको ऑब्वियसली टीचर्स को हायर करना पड़ेगा। यू कैन पे देम ऑन यू नो ट्यूशन टीचर को जैसे आप पे करते हैं 7000-8000 a month, आप उनको पर क्लास बेसिस उनको पेमेंट कर सकते हैं या कमीशन बेसिस में काम कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 4 टीचर पकड़ूँ और उनको महीने में अगर मैं 8000 rupees दूँ, जो पार्ट टाइम बेसिस या पर क्लास बेसिस में अगर करते हैं, या अगर मैं पर क्लास बेसिस भी उनको अगर 400 rupees देता हूँ और महीने में मैं 10 क्लास करता हूँ, तो आपका 20 क्लास करते हैं तो आपका अराउंड 8 to 10000 rupees। इसको बाद में आप स्केल कर सकते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आप देख पा रहे हैं कि अराउंड मंथली अराउंड 10 to 12000, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद वन टीचर, यू कैन स्पेंड अराउंड 4000-5000, एंड लेटर ऑन जितना भी आपका क्लासेस बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से आप अपने जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो भी बढ़ाते रहेंगे और आपका रेवेन्यू भी यहाँ पे जनरेट होता रहेगा। तो चलिए अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपटीशन के बारे में। कोई भी बिजनेस जो होता है वहाँ पे कंपटीशन भयानक होता है। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है वो रूरल और अर्बन में होता है, ठीक है, रूरल और अर्बन में। रूरल में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपका पैसा जो है वो 300-500 से ज़्यादा आपको कोई देगा नहीं या दे नहीं पाएंगे। और अर्बन में क्या है कि अगर आप 2000 से लेके अगर 10000 भी मांगते हैं तो लोग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अर्बन में अलग अलग तरीके के पेरेंट्स होते हैं, उनके बजट अलग अलग होते हैं। अर्बन में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन में आएंगे, आप बाईजू, वेदांतु, ऐसे बहुत सारे जो टॉप के जो आपके फंडेड कंपनीज हैं, इनके साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके पास बहुत पैसा है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर रूरल में अगर आप जाते हैं यहाँ पे लेस कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आपका क्या है, लोकल टीचर है जो बच्चों को पढ़ाते हैं कम बजट में। तो यहाँ पे लोकल टीचर, क्योंकि अभी लॉकडाउन को ऐसे सब अभी बंद हो चुका है, फिजिकल इंटरेक्शन बंद हो चुका है, तो आप रूरल एरिया में अगर टारगेट करते हैं या स्किल योगी में अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ पे लोकल एरिया में आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट होता है। इवन क्योंकि जैसे आपने देखा कि ओवरहेड खर्चा जो है आपका बहुत कम है, ठीक है, आप अगर एक एक बैच में अगर 10 स्टूडेंट करके पढ़ाते हैं, उनसे अगर 300 रुपये करके अगर लेते हैं प्रति महीना, तो आपका एक बैच में कितना, 3000 रुपये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और आप टीचर के साथ आप कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हैं, या यू कैन फिगर अ वे आउट। तो इसी तरीके से जब आप रूरल में काम करते हैं, या रूरल और सेमी अर्बन, या रूरल अर्बन को मिक्स करके आप काम करते हैं, यहाँ पे अगर आप अर्बन में 1000 रुपये में आपने कर दिया या 900 रुपये में आपने कर दिया, उसी को आपने रूरल के साथ थोड़ा सा कंपेंसेट कर दिया, तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बैलेंस करके काम करना पड़ेगा। ऑन एवरेज आप कोशिश कीजिए 750 से आपका 800 रुपये आपका इनकम होगा पर स्टूडेंट से। सो नॉट बैड, यू नो, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप आसानी से 5-6 महीने के अंदर उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ टू विन, कैसे जीतें, क्योंकि इतना भयानक कंपटीशन है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल ट्यूशन टीचर से काम कर रहे हैं, उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं, आप बाईजू इतने बड़े बड़े जो 10000-20000 crore वाले कंपनी के साथ आप कम्पीट करेंगे, कैसे जीतें? आपको यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि लो कॉस्ट पे काम करना पड़ेगा। अगर कोई मार्केट में 500 रुपये या 400 रुपये चार्ज करता है, फॉर एग्जांपल आप 300 रुपये कीजिए, ठीक है, कोई अगर 10000 रुपये चार्ज कर रहा है
10,000 नहीं 1,000 रुपये चार्ज कर रहा है या 7,000 रुपये चार्ज कर रहा है या 3,000 रुपये चार्ज कर रहा है, आप वहाँ पे 2,000 रुपये चार्ज कीजिए। क्योंकि क्योंकि ये जगह आप रूरल से भी शुरू कर सकते हो, अर्बन से भी। आप अगर रूरल एरिया में रहते हो वहाँ पे भी आप इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं या आप सबर्ब्स में रहते हैं वहाँ पे भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका लो कॉस्ट आपका सबसे बड़ा एक एडवांटेज होगा यहाँ पे, और आपका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना पड़ेगा। कस्टमर सपोर्ट यानी आपका जो पेरेंट्स के साथ बातचीत हो रहा है, उनके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसको बेहतर करना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्वियसली कोई नहीं आएगा। कस्टमर सपोर्ट आपका अच्छा होना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग देना पड़ेगा। कोर्स तो सभी करेंगे, पढ़ाई लिखाई तो सभी करेगा, पर यहाँ पे आपको पर्सनल काउंसलिंग देना पड़ेगा। पर्सनल काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप पेरेंट्स और टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को आप काउंसलिंग दे रहे हैं कि ऐसे आप कीजिए, वैसे आप कीजिए, ऐसे आप करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, और आपको रेगुलर अपडेट्स देना पड़ेगा कि वीकली अपडेट्स दे दिया कि आपका बच्चा ये कर रहा है, आपका बच्चा वो कर रहा है। आपने एक SMS कर दिया या WhatsApp पे मैसेज कर दिया, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप जो भी आप चार्ज कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा आप वैल्यू फॉर मनी दे रहे हो, क्योंकि हर एक जगह पे आपको वैल्यू फॉर मनी देना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी अगर नहीं देते हैं तो कोई नहीं आएगा। यू हैव टू गिव सो मच वैल्यू फॉर मनी कि लोगों को लगेगा अरे भाई ये तो 300 रुपये में इतना कुछ दे रहा है, 500 रुपये में इतना कुछ दे रहा है, तो भाई बहुत अच्छा होगा। फिर इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम में खेलना पड़ेगा, हाई वॉल्यूम, ठीक है, लो मार्जिन पे आपको खेलना पड़ेगा। क्योंकि इस जगह पे अभी ऐसे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि YouTube में तो आपका फ्री वीडियो मिल जाता है तो क्यों आपके पास ट्यूशन आएगा। फिर भी ट्यूशन टीचर्स जो है वो पैसा कमा रहे हैं, यहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हाई वॉल्यूम लो मार्जिन में, ऐसे आपका अगर पहले 2 स्टूडेंट आता था, अभी आप यहाँ पे 10 स्टूडेंट कर लीजिए, 8 स्टूडेंट कर लीजिए, हाई वॉल्यूम लो मार्जिन में आपको गेम खेलना पड़ेगा। और इसी जगह पे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली आप शुरू कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन टीचिंग सेटअप के माध्यम से एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर अपने घर से, आपका अगर कोई एक खाली रूम पड़ा हुआ है वहाँ से, अगर आज से कहीं से भी आप आराम से शुरू कर सकते हैं। रेंट का जो भी खर्चा है वो भी आपको देना नहीं पड़ेगा। ओनली द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू मेक इज एन इंटरेक्टिव बोर्ड और अ बोर्ड वेयर द टीचर विल कम एंड टीच। सो दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। और अगर आपको लाइट बोर्ड के बारे में जानना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लाइट बोर्ड सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं आपको, ताकि आप आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सकें। तो यहाँ पे आपका नंबर मैं अभी दे देता हूँ, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको मदद करेगा। तो नंबर है 9836485364। अगर आपको कोचिंग सेंटर के लिए आपको अगर ऑनलाइन सेटअप चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ईजिली स्टार्ट ऑफ योर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर एंड बिकम सक्सेसफुल एज अ बिजनेस ओनर।